नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना के रोकथाम की कोशिश अभी देश से लगातार विदेशों तक की जा रही है। हालांकि अब इसी मुहिम में भारत को बड़ा हथियार मिलने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों पर स्लीप एपनिया मास्क को प्रयोग में लाकर बीमारी को गंभीर रूप लेने और मृत्यु के खतरे को कम किया जा सकता है। नया LPG कनेक्शन लेने का काम अब और ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब ग्राहक आसानी से एक नंबर पर कॉल करके LPG कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आप भी इस कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो आप बस 8454955555 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसको लेकर जश्न पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को बारिश के कारण ड्रॉ कर दिया गया था, जिसके बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जिस पर पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने इसके असली हकदार को जसप्रीत बुमराह का नाम बताया है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार ने कोविन पोर्टल की शुरुआत की थी। हालांकि अब इस पोर्टल को विदेशी नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है, यानी कि भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हैं। जगदानंद सिंह की नाराजगी जग जाहिर है। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को दो टूक नसीहत देते देखा गया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि अगर जगदानंद सिंह में थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हो तो उन्हें राजद से रास्ता अलग कर लेना चाहिए। अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर की नींव की खुदाई आधी से ज्यादा हो गई है। इस बीच राम भक्त श्रद्धालु के लिए अच्छी खबर है। मंदिर निर्माण का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु को अब मायूस नहीं होना होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम 7 पद करने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी हो गई है, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत राजधानी दिल्ली में किया गया। उनके स्वागत और समर्थन में ऐसी भीड़ उमड़ी जो देखने लायक थी। वहीं आज खेल के सितारों के घरों में जश्न की बारी है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। कुशवाहा ने लिखा कि कल से ही वो दिल्ली एम्स में अपने स्वास्थ्य से संबंधित नियमित जांच के लिए भर्ती है। CBRI के आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल आधार पर 2021 की पहली छमाही के दौरान देश भर में घरों की बिक्री में 75% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग 26% हिस्सेदारी के साथ पुणे ने बिक्री गतिविधि का नेतृत्व किया। इसके बाद मुंबई में 19% का स्थान रहा। केंद्र सरकार के दूसरों के फोन में नजर डालने के लिए इस्तेमाल किए गए पेगासस स्पाईवेयर अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई आयोजित करवाई गई है। हालांकि सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी को बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नया दांव खेला है, जिसके तहत उन्होंने कोर्ट में सुनवाई टालने की अपील की है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक इसे टाल दिया जाए, यानी लालू ऑनलाइन सुनवाई नहीं चाहते हैं। गुजरात का धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहर हैं। कहा जाता है कि करीब 3500 ईसा पूर्व में यहां लोग बसने लगे थे और करीब 1800 ईसा पूर्व तक यह शहर मौजूद था। इसी कारण यूनेस्को ने हाल ही में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां गंदेरबाल में खीर भवानी मंदिर में दर्शन और हजरत दरगाह पर सजदा करने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य की श्रेणी में डालने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इस बाबत निगरानी भी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा होना बाकी है। पीएम मोदी के उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत इस योजना के तहत इस बार लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ साथ गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह पहला मौका होने जा रहा है जब ग्राहकों को मुफ्त में भरा सिलेंडर भी मिलने वाला है। नीरज चोपड़ा की जीत के साथ ही भाला फेंक खेल की चर्चा खूब होने लगी है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि के साथ ही और उनके सम्मान में भारतीय एथलेटिक्स संघ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर बृहस्पतिवार से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम सोमवार को लंदन पहुंच गई है। चोटिल खिलाड़ियों की जगह लेने वाले सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ नॉटिंगम में ही अपना एकांतावास पूरा कर रहे हैं। यह दोनों 3 अगस्त को टीम से जुड़े थे। इनका एकांतावास 13 अगस्त को पूरा होगा।
सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए अहम सूचना। आईसीसी ने ओलंपिक में भारत को मिली जीत के बाद अब क्रिकेट को भी शामिल करने की कोशिश करने का दावा किया है। इस बाबत आईसीसी ने साफ कहा है कि जल्द ही एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसके ऊपर क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीन के निर्माण में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने वैक्सीन निर्माण के लिए गुजरात और कर्नाटक को भी शामिल करने का ऐलान किया है, यानी कि अब इन दो राज्यों में भी वैक्सीन निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 865 किलोमीटर के दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है, जो कि अगले महीने की सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। यह ट्रेन फिलहाल दिल्ली के सरायकाला खान से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा 2021 के सेशन 4 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब उम्मीदवार 11 अगस्त 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर करवा सकते हैं। टाटा ग्रुप ने हाल ही के दिनों में नए सेक्टर में तेजी से कदम रखा है। अब टाटा ग्रुप अपनी कंपनी नेल्को के जरिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेगमेंट में उतरने की योजना बना रही है। इसको लेकर नेल्को की कनाडियन कंपनी टेलीसैट से बातचीत चल रही है। हाल ही में गूगल सर्च में एक शब्द की लोकप्रियता देखकर गूगल खुद भी हैरान है। गूगल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार फैंग शब्द का ब्रेकआउट 5000% तक देखा गया है। इस शब्द की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एशिया वाले शब्द को सबसे ज्यादा जानना चाह रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किया है। नियोमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन को नियंत्रित करता है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में 5 मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर शोध का वर्णन किया गया है, जो कि बीटा वेरियंट पर प्रभावी पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसको लेकर लिस्ट भी मांगी है। पीएम मोदी ने सोमवार को अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को राज्यसभा में पारित किया। इस दौरान कई सांसद गायब थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्ट्रार यानी कि एनपीआर अपडेट करने का काम चल रहा है। गौरतलब है कि एनआरसी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़ों जारी करने के बाद फिलहाल इस पर कोई प्रस्ताव नहीं है, आने वाले समय में देखा जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देती नजर आएंगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक शिल्पा वी फॉर इंडिया के जरिए वो 15 अगस्त को फेसबुक लाइव होंगी। शिल्पा के अलावा इस कैंपेन में अर्जुन कपूर, विद्या बालन, दिया मिर्जा, एड शीरन, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, सैफ अली खान, सारा अली खान, सिंगर एआर रहमान, रोलिंग स्टोन्स के मिक जैगर, गायक गीतकार एड शीरन भी शामिल होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जा सकता है। इस बाबत एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।